बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है बेसिकली एसे ऑफ अल्कलॉइडल ड्रग्स के ऊपर। अच्छा, हम जानते हैं कि अल्कलॉइडल ड्रग्स जो है वो वेरियस मेथड्स के थ्रू उनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, उनकी जो है वो प्योरीफिकेशन का सिलसिला जो है वो कम्प्लीट किया जाता है। तो आज हम बेसिकली देखेंगे इसके अंदर के अल्कलॉइडल जो ड्रग्स हैं उनकी जो जब हम क्वालिटी कंट्रोल लैब के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कलॉइडल ड्रग्स की नेचर क्या है, केमिकल नेचर ऑफ अल्कलॉइड्स होता क्या है। तो नंबर वन पॉइंट ये होता है कि वो इनसॉल्युबल होते हैं या स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। नंबर टू ये होता है कि वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो कि इमिसिबल होते हैं विद वाटर। एंड नंबर थ्री ये होता है कि सॉल्ट्स ऑफ अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो जब इस तरह की केमिकल नेचर होती है, इस तरह का कैरेक्टर होता है, तो वो पॉसिबल होता है आपके लिए कि आप सेपरेट कर लेते हैं अल्कलॉइड्स को बाय पार्टिशनिंग क्रोमैटोग्राफी या कोई सब मेथड के थ्रू आप उसे कर सकते हैं अलग। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स को ऐसे हमने करना है, तो ड्रग्स को हम पहले तो पल्वराइज करेंगे रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वायर्ड मैश के थ्रू। पल्वराइजेशन के दौरान हम ये देखेंगे कि लॉस ऑफ वाटर कोई ना हो। फिर उसके बाद हम वेइंग फॉर ऐसे जो है वो करेंगे 10 मिलीग्राम फॉर क्वान्टिटी इज इक्वल 5 ग्राम और ओवर, इस तरह से वो एक ऐसी रखी जाएगी। और उसके बाद ये हमें पता है कि एक्सट्रैक्शन के चंद जो है मेथड्स हैं जो कि अल्कलॉइड बेयरिंग ड्रग्स के यूज होते हैं, जिसमें कि नंबर वन हमारे पास मैसिलेशन है, नंबर टू पर्कुलेशन है, नंबर थ्री कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन है। अच्छा, जहाँ तक बात है मैसिलेशन, पर्कुलेशन और कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन की है, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत वाइड टॉपिक्स हैं। इनमें जितनी डिटेल हम चले जाएँ बहुत ज़्यादा जो है वो इनके ऊपर पूरे पूरे जो है वो लेक्चर्स पूरे चैप्टर्स इनके ऊपर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट बुक्स के अंदर। तो लेकिन यहाँ पर हम जस्ट एक क्विक ओवरव्यू करेंगे इस चीज़ का। मैसिलेशन में हम क्या करते हैं कि एक्यूरेटली वेट करेंगे पाउडर ड्रग को और उसको हम डिप करेंगे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स के अंदर। उसके बाद हम उसे अल्कलाइन करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन यूज करते हुए, और फिर उसको हम मिक्स करेंगे एंड देन हम उसको मैसिलेट करेंगे फॉर 12 to 24 आवर्स विद ग्रेजुअल शेकिंग। उसके बाद क्या होता है, सॉल्वेंट को हम सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे और डीकैंट और एलिपर्ट्स जो है वो जो एनालिसिस के लिए यूज होते हैं उनको हम निकाल लेंगे, एनालिसिस हम उनका कर लेंगे। इसके बाद पॉपुलेशन का मेथड आता है। पॉपुलेशन में भी यही है कि प्लेस करेंगे एक्यूरेटली वेट पाउडर ड्रॉप को सूटेबल कंटेनर के अंदर, उसको हम सैचुरेट करेंगे सूटेबल सॉल्वेंट के साथ 5 मिनट के लिए, देन हम अल्कलाइन करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन के साथ उसको, और फिर उसको हम थॉरली मिक्सिंग के बाद पर्कुलेटर में डाल देंगे। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर कि हम अलाउ करेंगे ड्रॉप को मैसिलेट करने के लिए 10 to 12 आवर्स के लिए। पॉपुलेशन सॉरी जो मैसिलेशन में जो जो हमारे पास टाइम है वो मैसिलेट करने का है वो 12 to 24 आवर्स है, जबकि पर्कुलेशन के दौरान मैसिलेट का टाइम है 10 to 12 आवर्स। फिर उसके बाद स्लोली पर्कुलेट होगा, पर्कुलेट को फिर अल्कलॉइड फ्री होना चाहिए, और इसके चेक करने के लिए कि पर्कुलेट जो हमारा अल्कलॉइड फ्री है कि नहीं है, उसके लिए हम बेसिकली अल्कलॉइड टेस्ट करते हैं। अब अल्कलॉइड टेस्ट क्या होता है, अल्कलॉइड टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि हम 4 ml पर्कुलेट लेंगे, उसको हम एवेपोरेटर डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद रेसिड्यू डालेंगे 0.9 नॉर्मल HCl और ड्रॉप हम डालेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड का। ठीक हो गया। अब होगा क्या, अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो इसका मतलब पर्कुलेट जो हमारा वो फ्री फ्रॉम अल्कलॉइड है, लेकिन अगर टर्बिडिटी है तो पर्कुलेट हमारा अल्कलॉइड फ्री नहीं है, तो फिर हमें फर्दर प्रोसेस में चेक करना पड़ेगा, दोबारा हमें देखना पड़ेगा कि वेदर हमारा पर्कुलेशन मैसिलेशन मेथड जो है वो सही हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, उसकी कंडीशन को देखना पड़ेगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एक्सट्रैक्शन है, देखिए काउंटरपार्ट एक्सट्रैक्शन होती है वो हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर के साथ उसको यूज़ करते हैं। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो है वो हम ये सारा प्रोसेस जो है वो करते हैं, क्योंकि आम लेबॉरटरीज में आपने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में इसके आपने लैब में इसको आपने यूज़ किया होगा, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आपने देखी होगी। इंशाल्लाह फर्दर इस पर हम लेक्चर अपलोड मैं करूँगा, लेकिन फिलहाल हम जो एक टॉपिक है उसकी वजह से उसको लेकर चल रहे हैं। इसके बाद प्योरीफिकेशन आएगा, हम एलोपेट को जो एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूट एसिड के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, एसिड पार्ट जो है क्लाइन किया जाएगा और उसके बाद इनविजिबल सॉल्वेंट को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, अब ये बात आती है कि अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलॉइड के लिए आएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अल्कलॉइडल सॉल्यूशन है उसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के मेथड्स क्या, हीट के थ्रू ड्राई कर सकते हैं, करंट एयर के साथ, करंट ऑफ एयर के साथ उसको ड्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम सॉफ्ट करेंगे रेजिड्यू को 1 ml न्यूट्रल ईथर के साथ या अल्कोहल के साथ। फिर उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड वो हम डालेंगे और वार्म करेंगे उसको जेंटली ताकि वो कम्प्लीट सोल्यूशन हमारे पास बन जाए। फिर उस सोल्यूशन के अंदर हम 25 ml जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर देंगे एंड देन उसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट इसमें आएगा उसके लिए ज़रूरी है कि जब हमारे पास वॉल्यूम पूरा हुआ है
अब हमने ट्राइट्रेशन का करना है। ट्राइट्रेशन मेथड देखिए बेसिक मेथड है। अब ट्राइट्रेशन मेथड जो है वो हम 1906 को कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें पता है क्रिस्टियन ईयरली जो है वो यूज़ होती है, मिथाइल राइड यूज़ होता है, एज एन इंडिकेटर यूज होता है, और इसके अंदर जितने भी बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एज ए स्टैंडर्ड ही होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज होता है, सोडियम ये आपका एच सी एल वगैरह यूज होता है, ये सारी चीज़ें मतलब वो स्टैंडर्ड्स हैं। खैर उसमें हम डिटेल नहीं जा रहे, बस जस्ट एक मैं एक रिवाइज करा था इस चीज़ को कि आपको पता हो कि हाइड्रेशन मेथड जो है वो वही एक प्रोसीजर है, उसके तहत ही किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे कि जब हमारे पास ट्राइट्रेशन के बाद वाटर रेसिड्यू जो है उसको वेट किया जाएगा, और उसको जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स 105 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्स्टेंट वेट के ऊपर ड्राई किया जाएगा। ड्राई करने के बाद लास्ट अगर सॉल्वेंट हमारा क्लोरोफॉर्म है तो उसके ट्रेसेस को रिमूव किया जाएगा। अब उसके ट्रेसेस को रिमूव कैसे किया जाएगा, हम फ्यू ml जो है न्यूट्रल ईथर के डालेंगे या अल्कोहल के डालेंगे, उससे क्या होगा कि वो वेपोरेशन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म आपका वेपोरेट हो जाएगा। बस स्पेशल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, कुछ स्पेशल इनके ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऐड करते हैं, लाइक यूज़ ऑफ एब्जॉर्बेंट हम करते हैं। अगर एब्जॉर्बेंट क्या यूज़ होते हैं हमारे पास, जबकि फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स हो हमारे पास, टिंचर्स हो जिनके अंदर क्लोराइड ड्रग्स होती हैं, तो उनके लिए नेसेसरी होता है कि हमें उन्हें वेपोरेट करना है, ड्राई में करना है। तो फैसिलिटेट करने के लिए वेपोरेशन और रिड्यूस लॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट को ऐड करते हैं एब्जॉर्बेंट के साथ, और प्रीवियसली ऐसे दरअसल क्रीम उनको मतलब वॉश किया जाता है, तो वो न्यूट्रलाइज होने के बाद ड्राई बिफोर यूज हो जाता है। तो ये यूज ऑफ एब्जॉर्बेंट बेसिकली हम फैसिलिटेट करने के लिए करते हैं, वेपोरेशन और रिड्यूस लॉस के लिए। इमल्शन होते हैं, देखिए अब इमल्शन अगर बन जाता है, लेट्स सपोज इमल्शन बन गया, तो शीटिंग को अवॉइड करें, इनविजिबल सॉल्वेंट वाटर उसको भी करें। इमल्शन अगर बन जाता है तो हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट डाल देंगे, या हम जो है वो क्या कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट डालेंगे। दोनों सूरतों में क्या होगा, जो आपका इमल्शन है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि या तो हम सॉल्वेंट जो भी है उसको हम ऐड करेंगे या एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट डालेंगे, दोनों सूरतों में क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ इमल्शन हो जाएगा हमारे पास। तो ये चंद पॉइंट्स थे हमारे पास बेसिकली जब हमने करना होता है ऐसे ऑफ क्लोराइडल ड्रग्स जब हमने करना होता है, तो ये चंद कुछ बेसिक्स हैं जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसकी डिटेल में फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में नेक्स्ट फर्दर उसमें आपसे डिस्कशन होगी। आज का सिर्फ ये मतलब एक क्विक लेक्चर देने का वो लोग कितना कि आप लोगों का एक माइंड मेकअप हो जाए कि जब हम ऐसे ऑफ क्लोराइडल ड्रग्स की बात करते हैं तो उसमें मतलब बेसिकली क्या हमारे जहन में पॉइंट्स होने चाहिए। इसी तरह बायो एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, पहले मैंने एक लेक्चर में बात की तो उसकी भी हमने चीज़ें पढ़ी कि उसके मेथड्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये भी इस तरह से ये मेथड जो है वो टेक्निक लेकर चलना पड़ता है। तो चलो नेक्स्ट बात होगी इंशाल्लाह।